हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, जीवन चलने का नाम है और चलते हुए जीवन में हमेशा आपके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं और चैलेंजेस जब तक आते रहते हैं जब तक आप जीवित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें और कैसे उन समस्याओं का समाधान निकालें। यदि आपके पास भी जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिन पे आपको रुककर सोचना पड़ता है कि आप क्या करें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम माइंड साइंस पे काम करते हैं और बहुत सी बेहतरीन वीडियो ले जाते हैं ताकि वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते हुए जीवन में निरंतर आपके पास नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे आप निपटें, कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, तो जिसमें पहला स्टेप है आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपकी समस्या है क्या। क्या फाइनेंशियल इश्यू है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यू है, या आपका सोशल से रिलेटेड इश्यू है, या हेल्थ से रिलेटेड इश्यू क्या है, पहले आपको ये डिफाइन करना होगा। दोस्तों, स्टेप नंबर टू में आप ये डिफाइन कीजिएगा कि जो भी रिजल्ट आपके पास आया हुआ है, जो भी समस्या आपके पास है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है, जो भी चैलेंज आपके सामने आया हुआ है, ये आया क्यों है, इसकी बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं, क्या आपका बिहेवियर है, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपके एक्शंस हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है उसकी प्रॉब्लम्स, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। एक पेपर लीजिएगा और लिखिएगा उन सबको क्या क्या वजह है। स्टेप नंबर थ्री में आप ये देखेंगे कि आप किससे मिले, कौन कौन लोग हैं जिनसे आप अगर मिलते हो तो वो आपको इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, वो आपको इसके लिए गाइड कर सकते हैं। एक बार अपने आप से पूछिएगा और उनकी भी एक सूची बनाइएगा। चौथे स्टेप में आपको चार एक्शन करने होंगे। सबसे पहला कि आपको अपने आप से पूछना है कि व्हाट आई कैन डू टू रिजोल्व द इश्यूज, क्या क्या कर सकता हूं मैं, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं अपने अंदर, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं अपने थॉट पैटर्न में, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं अपने बिहेवियर में, क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं अपने एक्शन में, जिनसे इन चीजों को रिजोल्व कर सकूं, जिनसे इन चीजों को बड़े आयाम तक पहुंचा सकूं। एक बार देखिए दोस्तों, एक्शन नंबर टू कि इसमें कोई भी नेगेटिव चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तीसरा एक्शन है कि उसको नोट डाउन कर दीजिएगा पेपर पे, जो भी आइडियाज आपको मिल रहा है, जो भी आपके अंदर से आवाज आ रही है, उसको नेगेटिविटी उसमें से हटा करके आप उस आइडिया को लिख दीजिएगा। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जो आइडिया आ रहा है उसको वैसे का वैसे लिखते चले जाइए। किस तरह से आप, क्या क्या चीजें की आपको जरूरत है, किस तरह से आप एक्शन लें तो ये ठीक हो सकता है, लिख दीजिए उन आइडियाज को। दोस्तों, एक चीज और बताऊंगा आपको, जितना वियर्ड आइडिया होगा, जितना अद्भुत आइडिया होगा, जितना अजीब आइडिया होगा, वो आज अजीब इसलिए लग रहा है कि इससे पहले वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जितना भी वियर्ड आइडिया आता है उसको आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए और बेहतर है, वो आपके लिए और बेहतर आइडिया हो सकता है। स्टेप नंबर फाइव है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी हाँ दोस्तों, उसमें आप उन लोगों के साथ बैठिएगा जो जिनको आप सक्षम समझते हो कि वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, वो आपको इसमें और बेहतर बना सकते हैं इन आइडियाज को। उन लोगों के साथ बैठिएगा और उन लोगों के साथ बैठकर के भी जितने भी आइडियाज सबसे मिलते हैं आपस में डिस्कस कीजिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, इन समस्याओं को कैसे सुलटा जा सकता है। जितने भी आइडियाज मिलते हैं उन सब आइडियाज को एक पेपर पर लिखते जाइएगा। कोई नेगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा, जस्ट डू इट। जितने भी आइडियाज आते हैं लिखते जाइए, जितने वियर्ड आइडियाज आते हैं, जितने अजीब आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को और बेहतर तरीके से उस पर लिखते जाइए। दोस्तों, जब ये साइकिलिंग आप पूरी कर लेते हो, चौथा जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप ये देखिएगा सभी सवालों को दो कैटेगरियों में बांटिएगा, क्या उनकी इफेक्टिवनेस है और क्या उनकी इजीनेस है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तुम सबके सामने एक कॉलम देखेगा इफेक्टिवनेस का, उसमें से देखेगा कि वो काम मोस्ट इफेक्टिव है या डाउटफुल है, मार्क कीजिएगा उन सबके सामने। दूसरा कॉलम देखिएगा इजीनेस का, वो काम इजी है या नॉट सो इजी है या डिफिकल्ट है,
तीन कैटेगरी में से जो भी वो होता है कामों के सामने मार्क कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप ये आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उनमें से उन आइडियाज को छांटिएगा जो आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव और इजीएस्ट हैं। तो और दोस्तों उन पे काम करना शुरू कीजिएगा। जब आप उस पे काम करना शुरू करोगे तो आप क्या करेंगे, डायनामिज्म होगा, आपको पता होगा कि ये मोस्ट इफेक्टिव एंड इजीएस्ट वे है इस काम को सॉल्व करने का, इस समस्या को सॉल्व करने का। और जब आप उस पे काम कर रहे होंगे, जब आप उस पे एक्शन लोगे, आपको रिजल्ट पॉजिटिव नजर आएंगे और आप उन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों ये था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आप अपनी हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो और आपके जीवन से रिलेटेड हो। कोई भी समस्या हो आप इस बेहतरीन टेक्निक को यूज करके उसके उससे रिलेटेड बेहतरीन आइडियाज अपने जीवन में ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके सामने आती रहें और आप अपने जीवन को और सक्षम, सफल और समृद्ध बनाते रहें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और उनकी समस्याओं का समाधान वो खुद निकाल सके। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।